सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 25, ठीक है। सो एमसीक्यू 25 का डेटा ये है, लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। ओके, तो मान लो ये भाई एक इक्विलेटरल प्रिज्म है एंड लाइट इज इंसिडेंट लाइक दिस। देखो नॉर्मली बोला हुआ है सरफेस से, अगर सरफेस से नॉर्मल इंसिडेंट करेगा देन ऑलवेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो, ठीक है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा हम लोग नॉर्मल से ही फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, देखो इट विल नॉट अंडरगो एनी रिफ्रैक्शन, सीधा ही यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, इट मे कम आउट, ठीक है, बाहर आ सकता है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती। तो सी ये वाले एमसीक्यू में थोड़ा लॉजिक से चलते हैं, ये वाली मेथड से करेंगे 100% आंसर आएगा, और एक शॉर्टकट कुछ ऐसा है, अगर आपको फॉर्मूला शायद याद हो, n1 sin of a plus delta m by 2 इज इक्वल टू n2 sin of a by 2, ठीक है, इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। सो क्या होगा, n1 दिया हुआ है 1 साइन ऑफ, देखो इक्विलेटरल प्रिज्म बोला हो तो ए होता है 60 डिग्री, डेल्टा एम हमको फाइंड करना है कितना डेविएशन हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2, एन टू दिया हुआ है 1.5 साइन ऑफ ए बाय 2 यानी 60 बाय 2 यानी 30। ओके, सो विल गेट देयरफॉर साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2 इज इक्वल टू, देखो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 करते तो हमको क्या मिलेगा, 0.75 मिलेगा। ओके, अब ये 0.75 जो है वो किसके जैसा है, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, आपको पता है, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 0.7071, ये याद रखना, 1/√2 अगर हम लोग करते हैं तो हमको मिलेगा 0.7071, और साइन 60 की वैल्यू होती है 0.8660, दैट इज √3/2 करके देखो, हमको ये वाला वैल्यू कैलकुलेटर से मिलता है। तो सी ये एमसीक्यू हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अप्रोच कैसा रहेगा, ये वाली मेथड से करो इट्स गुड, बट ये वाली मेथड से करो थोड़ा जल्दी और एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि 0.5 दिया हुआ ये 0.7071, तो ये वाला क्या हो गया, 45 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, 0.75 इज समवॉट ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो मैं ओवरऑल लिख सकता हूँ दैट साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, या तो फिर अगर मैं साइन हटा देता हूँ तो आई कैन राइट 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.75। ओके, 0.75 यानी किसके बीच में होगा, इट विल बी समवेयर बिटवीन 45 एंड 60 एंड वेरी मच नियरर टू 45, तो मैं लिख सकता हूँ ये होगा 45 से लेके 60 तक, हमको नहीं पता क्या है। ओके, 45 से नज़दीक है और 45 से 60 के बीच में होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। 2 को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो 60 प्लस डेल्टा एम कितना होगा, इट विल बी 90 प्लस 120, देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, देयरफॉर डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी, सी 60 अगर मैं इस तरफ ले आता हूँ तो 60 और 90 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 से लेके 60 और 120 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, विल गेट 60, तो आंसर जो है हमारा वो 30 और 60 के बीच में होना चाहिए। अब ऑप्शंस देखो, 30 दिया हुआ है, नहीं हो सकता, 30 और 60 के बीच में ही होना चाहिए, 30 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता और 75 भी नहीं हो सकता, बिकॉज आंसर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 45। सो जो ऑप्शंस दिए हुए उसके अंदर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 30 और 60 के बीच में है, दैट इज 45 डिग्री, सो आवर आंसर विल बी 45 डिग्री। सो ये लॉजिक से भी हम लोग ये वाला एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 26, व्हाट चेंजेस ड्यूरिंग द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट का जब पोलराइजेशन हो रहा हो तो क्या चेंज होता है, तो देखो हमको ये पता है दैट आई इज इक्वल टू I0 cos² θ, दैट इज मालूस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से जब लाइट पास होगी पोलराइड में से एट दैट टाइम उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इंटेंसिटी। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 27, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, I0 इज इंसिडेंट। ओके, 27 इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट दी हुई है हमको I0 और एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विद ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ पोलराइड। सो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट इज इमर्ज, जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी हमको फाइंड करना है, आंसर क्या होगा, I = I0 cos² θ, वी कैन राइट I = I0
कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा बाय 2, तो इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी। सो अवर आंसर विल बी बी, ठीक है, 0.5I0 दिया हुआ है वो हमारा आंसर होगा, सो ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट। लिखते हैं नेक्स्ट नंबर 28, इसमें दिया हुआ है व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू गेट फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज एट अ पॉइंट वेयर थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। तो देखो डिस्टेंस फॉर फिफ्थ ब्राइट इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर थर्ड ब्राइट, इन दोनों का डिस्टेंस हमको सेम दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है हमको वेवलेंथ। ओके, वी वांट टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और ये जो है थर्ड ब्राइट इसके लिए वेवलेंथ हमको पता है, दैट इज 7 लैम्डा इज इक्वल टू 700, ये 700 नैनोमीटर दिया हुआ है इसके लिए, इट इज गिवन टू बी 700 नैनोमीटर। तो देखो डिस्टेंस दोनों का सेम हो तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2, पता ना x इज इक्वल टू n लैम्बडा, या फिर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू r2 - r1 इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो अगर मान लो एक ही पॉइंट पे दोनों फ्रिंजिस बन रही तो मीनिंग क्या होगा, वो पॉइंट पे ये n लैम्बडा दोनों के सेम होंगे, सो देयरफॉर लैम्बडा 1 की वैल्यू हो जाएगी n2 लैम्बडा 2 / λ1, यानी चलो n2 कितना कौन सा ऐसी, दिस इज फिफ्थ ब्राइट ये थर्ड ब्राइट, तो यहाँ पे n2 होगा 3, लैम्बडा 2 है 700 नैनोमीटर में, नैनोमीटर को नैनोमीटर में रखता हूँ बिकॉज सारे ऑप्शन आई थिंक नैनोमीटर में ही दिए हुए, डिवाइडेड बाय लैम्बडा, सॉरी इट शुड बी n1, ओके n1 है 5, सो 7 × 3 = 21, 21 डिवाइडेड बाय 5 यानी 21 यानी 420 नैनोमीटर हो जाएगा। ये था हमारा MCQ नंबर 28, ठीक है, आंसर इज 420 नैनोमीटर ऑप्शन ए। अब देखते हैं MCQ नंबर 29, ठीक है, MCQ 29 बोला हुआ है हमको मास ऑफ फोटोन, ठीक है, फोटोन का मास क्या होता है ये पूछा हुआ है, तो इसी फोटोन का मास कैसे फाइंड करेंगे, E इज इक्वल टू MC² हमको पता है इक्वेशन, E इज इक्वल टू HF भी पता है, तो देयरफॉर HF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम MC² देयरफॉर मास हो जाएगा HF / C², ठीक है, दिस इज द मास ऑफ फोटोन। तो ये था MCQ नंबर 29, अब देखते हैं MCQ नंबर 30, दिया हुआ है वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल इज 4 eV, 30 में वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम वेवलेंथ बाय विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैन बी ऑब्टेन्ड इज, यानी हमको कितनी वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मिलेगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो अगेन वेरी इजी, इज इक्वल टू क्या होता है HF इज इक्वल टू HC / λ, सॉरी फाइ इज इक्वल टू HC / λ₀, याद करो दिस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी और ये बोलते हैं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, और हमको ये थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ ही फाइंड करना है, तो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कितना हो जाएगा, λ₀ विल बी HC / φ यानी 6.62 × 10⁻³⁴ × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 कितना है 4 × 1.6 × 10⁻¹⁹। अगर हम लोग ये सब सॉल्व करते हैं तो विल गेट लैम्बडा टू बी 3.103 यानी 310 नैनोमीटर आंसर आ रहा है ये सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो दिस वाज MCQ नंबर 30, ओके। नाउ लेट्स सी MCQ नंबर 31, 31 में दिया हुआ है अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, 31 प्रोटॉन है, ओके, तो उसका चार्ज ऑब्वियसली होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम
और कितना पोटेंशियल दे रहे उसको, वी आर गिविंग अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। हैव अ डी ब्रूगली वेवलेंथ ऑफ लैम्बडा जीरो, अगर Q जितना चार्ज V जितना वोल्टेज तो वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्बडा जीरो। अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके अभी देखो अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, फॉर अल्फा पार्टिकल ये जो चार्ज होता है इट इज 2e दैट इज 3. या ऐसे क्यों लिख रहे हैं अभी हम लोग 2e लिखते हैं। ओके इसको भी मैं ई रखता हूँ, अगर मेक एनी डिफरेंस, पोटेंशियल उसको सेम दे रहा है 100 वोल्ट। ओके अल्फा पार्टिकल के लिए भी इट्स डी ब्रूगली वेवलेंथ विल बी, ठीक है ये जो अल्फा पार्टिकल है उसकी डी ब्रूगली वेवलेंथ क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले मैं प्रोटॉन को पकड़ता हूँ, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय रूट ऑफ 2mvq, ठीक है दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ डी ब्रूगली वेवलेंथ। ओके सो इससे बोल सकते हैं लैम्बडा इज प्रपोर्शनल टू एच बाय रूट ऑफ एम एंड क्यू ओनली, क्यू बिकॉज टू कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो भी दोनों के लिए सेम दिया हुआ है, ठीक है सो दैट इज कॉन्स्टेंट और एच भी तो कॉन्स्टेंट है। ओके सो वी कैन राइट लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन विल बी, ये एम क्यू ऊपर आ जाएगा प्रोटॉन का, तो वी कैन राइट दिस इज रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन में ई लिख देता हूँ, और नीचे आ जाएगा अल्फा का मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, याद रखना मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होता है इट इज ऑलवेज 2e। सब कुछ कट करने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा लैम्बडा अल्फा विल बी लैम्बडा पी बाय रूट ऑफ 8 या फिर 2√2 भी लिख सकते हैं। लैम्बडा पी हमको दिया हुआ है लैम्बडा जीरो, देखो ओके सो आंसर हो जाएगा लैम्बडा जीरो बाय 2√2, दैट्स अवर आंसर। अब देखते हैं MCQ नंबर 32, यस 32 सेज दैट द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इन 5 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज, तुमको फाइंड करना है लैम्बडा लॉन्गेस्ट डिवाइडेड बाय लैम्बडा ऑफ शॉर्टेस्ट। देखो ये पूरी सीरीज थी लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फंड से तक, इन सब के कुछ अलग अलग वेवलेंथ्स आ रहे थे। ओके सो इफ यू सी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ओके तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगा पी फंड के लिए, ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो होता है लाइमन सीरीज के लिए। तो अगर मैं ये दोनों की वैल्यूज रख देता हूँ लाइमन सीरीज में, भाई चलो मैं थोड़ा स्पेसिफाई भी कर देता हूँ लॉन्गेस्ट कब होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऐसा होगा वी कैन राइट इट इज फ्रॉम इसी पी फंड के लिए, याद रखना है लाइमन बाल्मर पाशेट ब्रैकेट फंड यानी 5 नंबर पे आता है, तो फंड में m इज इक्वल टू 5 से लेके n इज इक्वल टू 6 तक। ओके फॉर दिस वी विल हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी लाइमन के लिए, लाइमन के लिए m कहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्ट फ्रॉम 1, और अगर मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, और बहुत सारी एनर्जी कब आएगी व्हेन एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके तो 5-6 लेना है और इनफाइनाइट लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्बडा लॉन्गेस्ट बाय लैम्बडा शॉर्टेस्ट विल बी, चलो क्या फॉर्मूला होता है लैम्बडा का, लैम्बडा इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय लैम्बडा लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू आर 1 बाय 5 स्क्वायर माइनस 1 बाय 6 स्क्वायर, और 1 बाय लैम्बडा शॉर्टेस्ट अगर देखो तो होगा आर 1 माइनस 1 बाय इनफाइनाइट, ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो सिर्फ आर होगा, इट्स जस्ट आर। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय लैम्बडा शॉर्टेस्ट कुछ ऐसा मिलेगा, विल गेट 900 बाय 11। ओके वी आर गेटिंग 900 डिवाइडेड बाय 11,
ठीक है। एक्चुअली जब इसको सॉल्व करोगे इसमें से ही ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आर ही करना रहेगा, बिकॉज ये जो लेमड़ा ऐसे उसकी वैल्यू है 1/r, ठीक है। सो ये था हमारा MCQ नंबर 32।